नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका बहुत स्वागत है। थार बगरी बाड़मेर से मैं श्वेता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। अब अगर सियासत की बात की जाए, प्रदेश की रणनीति की बात की जाए, तो उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर मान मनोबल का दौर जारी है। यानी बागी जो खेल बिगाड़ सकते हैं उन्हें मनाने की हर कोशिश की जा रही है। मैन टू मैन मार्किंग यहां पर की जा रही है। उन नेताओं को खासतौर से मनाने की कोशिश की जा रही है जो 5000 से ज्यादा वोट ला सकते हैं और उनके रोटरे पर पार्टी पर असर हो सकता है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही इस मैन टू मैन मार्किंग में जुटी हुई है। यानी कह सकते हैं रूठों की मनाने की यहाँ पर कवायद जारी है। अपनों का वार, क्या जो रूठे हैं उन्हें मनाने की जो रणनीति होगी वो यहाँ पर सफलता मिल पाएगी उससे बीजेपी या कांग्रेस को? क्या जो रूठे हुए हैं, जो बागी हुए हैं, वो यहाँ पर गणित बिगाड़ने के लिए अगर मैदान में उतरे तो क्या वो अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाएंगे? तमाम अहम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और बिग फाइट लाइव में आज हम चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर करेंगे। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हैं जो जयपुर स्टूडियो में मौजूद है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र लामा जी हमारे साथ है। आप नेता पूनम चंद भंडारी जी हैं, साथ ही जागो पार्टी से सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा बीकानेर से हमारे साथ कांग्रेस नेता बीडी कल्ला जी भी जुड़े हैं और साथ ही कोटा से बीजेपी प्रदेश मंत्री छगन माहुर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले अहम सवाल रहेगा बीडी कल्ला जी से। कल्ला साहब, जिस तरह से बीकानेर में हमने देखा टिकट पहले कटा, पहले नहीं दिया गया, आपके समर्थकों ने हंगामा किया, दबाव की रणनीति यहां पर काम आई, आखिरकार आपको टिकट मिला, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिल रहा है जो दूसरे नेता के थे जिनका टिकट कटा। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस इन्होंने मेरी टिकट के लिए मांग की और हमारी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और अब पार्टी के सभी हमारे साथी अभी भी राजकुमार जी और उनके समर्थक कांग्रेस के कार्यालय में आए और सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। अरुण व्यास जी हमारे समर्थन में है, यशपाल जी वगैरह ने भी उनको सिंबल अलॉट कर दिया था, उन्होंने वापस पार्टी को सौंप दिया। कुल मिलाकर के सारे लोग जो मेरे सामने टिकट मांगने वाले थे वो सब एक हैं और पार्टी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। चलिए ठीक है, नहीं एकजुट होकर मुकाबले यहाँ पर करेंगे। सुरेंद्र लामा जी, कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है मैन टू मैन मार्किंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिग्गज थे जो बीजेपी में गए, उन्हें टिकट मिल गया, कई ऐसे जो निर्दलीय मैदान में आ चुके हैं, कैसे मनाया जाएगा इन्हें? निश्चित रूप से मैडम, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। जिस प्रकार राजस्थान में पिछले 5 साल में जो कुशासन था और पिछली कांग्रेस सरकार थी, जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम थी और वो बंद कर दी गई थी, राजस्थान में जिस प्रकार महंगाई बढ़ी, बेरोजगार बढ़े, जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे कर नहीं पाए, ऐसे समय कांग्रेस पार्टी ने हमारे पार्टी पीसीसी चीफ सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में और अशोक गहलोत जी के सहयोग से जो संघर्ष किया और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी के नेतृत्व में सदन में संघर्ष किया, उसका रिजल्ट था कि हम आज इस हालात में पैदा हुए हैं। वो पहले की बात थी, चलिए ठीक है, लेकिन अभी अभी मौजूदा स्थिति की हम बात करें। मनीष जी, बीजेपी की अगर बात की जाए, कई ऐसे थे उन्होंने दो सीट पे और उसके बाद मनीष जी नहीं आपके पास लौटेंगे। मनीष जी अहम सवाल ये, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी की रणनीति किस तरह से रहेगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था जब टिकट वितरित भी नहीं हुआ था तब कहा गया था कि पहले से पूरी रणनीति बना ली गई है, कोई बागी नहीं होगा, कोई रूट के अलग नहीं जाएगा। नहीं, वो बात तो बाद में होता है, ये पक्की बात है, बड़ा परिवार होता है। जब 160 20 विधायक है रहे हैं उसमें ये हाल है, यहाँ तो 160 विधायक है, जिसको लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिला है उसको थोड़ा दुख होता है, पर्चा भरता है, अपनी बात जताता है, उसके बाद बात ठीक हो जाती है। अरे तो आप ये मैं बताऊँ आपको, खुद ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ये बीकानेर में कल्ला जी को टिकट इसलिए दिया, उन्होंने गुमटियां जलाई, कांग्रेस सरकार, ये भंडारी जी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया टिकट में, ये हाल है तो चुनाव लड़के क्या निहाल करेंगे, ये तो सबको पता है। आप देख लो, ये बोलते रहेंगे क्योंकि ये उधम मचाते हैं, जब कल्ला जी की टिकट कटती है तो ये गुमटियां जलाते हैं ट्रैफिक पुलिस की, और उसके बाद में जब गहलोत को टिकट मिल जाता है यशपाल को, अपनी पार्टी की बात कर लेते हैं ना,
बारिक साहब अपनी अपनी पार्टी की बात कर लेते हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात कर लेते हैं। पिछली बार बीजेपी प्रदेश मंत्री कोटा से छगन राउत जी भी, छगन जी आपकी पार्टी का बात सुनिए पहले, छगन जी आप तो अपनी बात रखिए, छगन जी आप अपनी बात रखिए। बीजेपी की बात अगर करते हैं, पहले कहाँ कुछ जाता था, अब तो स्थिति देखिए मान मनोबल की ही है। श्वेता जी देखो, जी 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 नहीं देखिए श्वेता जी, हमारे यहाँ जो कोटा की स्थिति और पूरे राजस्थान की स्थिति है जी, हमारे यहाँ वातावरण इतना हमारे पक्ष में हुआ है, कोटा से जो हमारे कुछ मान मनुवर थे पीपलदा वाला और लाडपुरा विधानसभा में हमारे दो विषय चल रहे थे, तो मुझे ध्यान है कि लाडपुरा से अभी मुझे ध्यान में आया कि भवानी सिंह जी राजावत मान गए हैं, वो हमारे लोकप्रिय विधायक भी रहे हैं, और साथ में नंदवाना जी कल हमारे मान गए, वो भी लोकप्रिय विधायक हमारे पीपलदा से रहे थे, तो मैं 100% कह सकता हूं कि हम यहां से 6 सीटें जीतेंगे और पूरी हाड़ों सीटें 17 सीट जीतते हुए पूरे राजस्थान के अंदर पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए एक बड़ा फायदा तो जरूर हुआ है गिरिराज सिंह के आने से यहाँ पर बीजेपी को, लेकिन आप जिस तरह से आश्वस्त है अब देखना होगा, वो तो जनता तय करेगी। पूनम चंद भंडारी जी, अक्सर जब भी चर्चा होती है आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, अब जो स्थिति है मान मनोवल की, बागियों को मनाने की, आपको लगता है कि इसमें कामयाब होंगी दोनों पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हैं? श्वेता जी इन दोनों पार्टियों में फर्क क्या रहेगा कोई मुझे ये बता दे, कांग्रेस भाजपा में कोई फर्क नहीं है, एक ही थैली चट्टे बट्टे हैं, दागी बागी कोई आ जाए, भ्रष्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, जीते होना चाहिए आ जाए, भर्ती चालू है दोनों के अंदर, दोनों स्कूल खुले हुए हैं, आ जाओ, एक ही ऑब्जेक्ट है सत्ता में आना, सत्ता में कैसे आए उसके लिए सारे सिद्धांतों को त्याग दो, जनता को बेवकूफ बनाओ कि हम सिद्धांत वाली पार्टी है, कोई कह रहा है कांग्रेस मुक्त भारत है, कोई कौन सा भारत कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये जनता देख रही है, इनके चेहरे जनता ने देख लिए हैं, इससे मैं कह रहा हूँ जनता को भी चाहिए आपके इस माध्यम से, आपका जो पॉपुलर टीवी है लोकल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे दागी बागियों को जमानत जब्त कराएंगे तब इनको मालूम पड़ेगा। सुन लो एक मिनट, आप सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोलता नहीं हूँ, देखिए आप, मैं आपके पीछे बोलता नहीं हूँ, आपका टाइम आएगा, यही आप दोनों पार्टियां से हो गई है, बोल लेते नहीं किसी को, आपस लड़ते रहते हैं, डिबेट में आए, आप पढ़े लिखे हो, आप भी एडवोकेट हो, मैं एडवोकेट हूँ, ये भी एडवोकेट है, अपनी बात रखें, अपने तर्क रखें, जनता सुने तो अच्छा लगेगा, बता रहा हूँ आपको, तो मैं कह रहा हूँ इनका कोई सिद्धांत नहीं है, आपका ये कहना है कि दोनों ही पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है, साफ दिखाई दे रहे हैं ना, जो मंदिर की बात करते थे, सुनील शर्मा जी भी है, सुनील जी आप किस तरह से जनता को जगा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए, देखिए जो होना था लड़ाई झगड़ा, जितना नाराजगी होनी थी वो हो चुकी है, अब मनाने का ही वक्त है, क्योंकि अब नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं, जागो पार्टी में किस तरह की स्थिति, क्या आपको लगता है कि ये जो बीजेपी कांग्रेस में हो रहा है, क्योंकि दो ही पार्टियां यहाँ पे नजर आती हैं, उसका फायदा, उनकी नाराजगी, आपस में जो चल रहा है उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा जो नई पार्टियां आई हैं? नहीं श्वेता जी, पूरे देश की और राजस्थान की जनता देख रही है कि इस बार के चुनाव में जिस तरह का टिकट वितरण में जो खेल हुआ है, एक घंटे पहले लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है, तो फिर बरसों से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, 20-20 साल 25-25 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि हम हमारे कार्यकर्ता को सम्मान देंगे, कहाँ वो आदर्श सिद्धांत और पार्टी कार्यकर्ता सबको ताक पे रख करके जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है, इसको जनता, इस नौटंकी को बहुत अच्छी तरह से देख रही है। मनीष जी भी इतने पुराने हमारे बीजेपी के पुराने लीडर हैं, कितने सालों से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब की बार कहीं जो नौटंकी हुई है, जनता इसका जवाब 7 दिसंबर को वोट से देगी और 11 दिसंबर को इनको पता लगेगा कि जनता भी अब जाग चुकी है, और समझ चुकी है कि अब ये नौटंकी अब राजस्थान में भी जवाब दिया जाएगा, और वोट के लिए सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल सुनील जी, वोट के लिए सब कुछ हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस हो, आपकी जागो पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सब कुछ हो रहा है, वो वोट के लिए हो रहा है और जनता को ही चुनना है, इसलिए जब इलेक्शन आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो कहा यही जाता है जनता जनार्दन है, वही सब कुछ करेगी, भले ही बात में उसकी पूछ रखे ना रखे, उसे के बारे में सोचा जाए या ना सोचा जाए। कल्ला साहब एक अहम सवाल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यशपाल गहलोत है वो भी नाराज कि किसी की नहीं है, सब साथ हो चुके हैं, अगर ऐसा है तो फिर कल आप निजी कार्यक्रम में गए थे, वहां पर उनके समर्थकों ने क्यों विरोध किया आपका, अगर सब साथ है तो ये होना नहीं चाहिए था? मैं शादी समारोह में गया था और वहां से निकलने पर कुछ लोगों ने वहां पर नारे लगाए थे, कोई विरोध नहीं किया, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में नहीं गया था,
तो और उसमें बीजेपी के लोग थे जो इस प्रकार के नारे लगा रहे थे, और ये तो हमारी बीकानेर में क्या है कि कांग्रेस का व्यक्ति निकलता है तो लोग हाथ हाथ करते हैं और बीजेपी के लोग निकलते हैं तो उनके चुनाव चिन्ह का नारा लगाते हैं, ये आम बात है। इसलिए इसको प्रचारित करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। पानी महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, रसोई गैस महंगी कर दी, डीजल और पेट्रोल के ऊपर महंगा कर दिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बीजेपी ने जो फैलाया उसका राजस्थान की जनता पूरा जवाब 7 तारीख को सुन लीजिए। हाँ ठीक है, 7 तारीख को सुना जाएगा जनता चुन लेगी। लेकिन अहम सवाल है कि ठीक है आप कह रहे हैं कि सब एक साथ हो गए, कोई नाराजगी नहीं है, जो नाराज होकर जा सकते थे वो भी अब सब सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि आप लोग कहते हैं कि आप सभी जातियों को 36 कौमों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माली समाज में नाराजगी देखने को मिली थी क्योंकि उनकी उम्मीदें यशपाल गहलोत से बन गई थी, फिर जो कुछ हुआ टिकट चेंजेस हुए यहाँ पर, आपको लगता है कि ये आपके जीत को लेकर या फिर इन चुनाव में आड़े नहीं आएगा आपके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब साथ हो जाएंगे 7 तारीख तक? निश्चित रूप से सब साथ होंगे, इसलिए होंगे कि यशपाल जी को पश्चिम से टिकट कटने के बाद पूर्व में मिल गया था, और निश्चित रूप से पार्टी ने फैसला कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो फैसला हुआ था उसको लेकर यशपाल जी जो हैं वो संतुष्ट हैं और आने वाले समय में पार्टी उसका सम्मान करेगी। कोई पद दे देगी, मतलब ये होया गिव एंड टेक, लोकसभा को देंगे आपको, आपका समर्थन किया था यशपाल जी ने, खुद ने कहा था कि कल्ला साहब को टिकट मिलनी चाहिए, कल्ला साहब कह रहे हैं सम्मान क्या देंगे, कल्ला साहब मैं तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता से कहता हूँ ऐसे लोगों जो बदल के आ रहे हैं उनको हराना है, लेकिन सम्मान तो ये होगा कल्ला साहब के, लोकसभा टिकट दोगे आप उनको? प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, आपको टिकट के लिए जिस गिड़गिड़ाना पड़ा, हमारे यहाँ लोकसभा की सीट रिजर्व सीट है भैया, नहीं क्या आपको तो कहीं और दे दोगे? रिजर्व सीटें एससी की सीट रिजर्व है, और से दे दोगे लेकिन पार्टी कहीं और से दे दोगे? यही पार्टी सिद्धांत विश्वास नहीं बढ़ेगा कांग्रेस, यही पार्टी ऐसी है, मत करो। कांग्रेस पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, और पिछली जो राजस्थान में कांग्रेस लेन देन का काम करती है ना, चुनाव हमने डायरेक्ट निकाय के चुनाव करवाए थे, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पे सीधा चुनाव लड़ने का मौका मिला था। जब आपकी सरकार आई बीजेपी की, इसको बंद किया, टिकट मिला उनको, धनाढ्य लोगों का समर्थन करते हैं कांग्रेस, लामबाजी पैसे से मिलता है टिकट, काम से नहीं मिलता, वो आपकी पार्टी की बात, लामबाजी टिकट के लिए कांग्रेस देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलता है, दिल्ली में चमचा नहीं करो तो मिलेगा, वो राज्यसभा में मिलता है, तभी तो बाहर से पैराशूट से आते हैं, पैराशूट वाला टिकट क्या मिलता है? आपने विरोध किया, मैं एक बात पूछता हूँ लामबाजी, पैराशूट से जाते हैं उनका विरोध किया आपने लामबाजी, तब मालूम पड़ता है आप क्या करता हूँ, आपको टिकट नहीं मिलने वाला। पहले की बात, पहले बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए, आप पहले आप बात सुनिए, ये पहले की बातें थी, पैराशूट नहीं आएगा उम्मीदवार या फिर जो 5 साल से जो मेहनत कर रहा जमीन पर कार्यकर्ता उसी को टिकट दिया। एक अहम सवाल ये कि आखिर ये सब बातें कहाँ चली जाती है छगन जी, ये सब बातें पहले बहुत होती है लेकिन बाद में कहाँ चली जाती है? अगर सिर्फ हाड़ौती के लिए पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के भी नेताओं की जो बागी हुए हैं, भले मनाने की बात की जाए तो एक दो को मना लेंगे आप, लेकिन बाकी सबके लिए रणनीति क्या, गणित तो ये बिगाड़ेंगे तय है। हम श्वेता जी जब लोकतंत्र का ये त्यौहार है और मतदान होना बाकी है और ये चुनाव जो आए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है, और इसके नाते पूरे राजस्थान के अंदर जो टिकटों का वितरण हुआ है वो सोच समझकर हुआ है, और जो हमारी स्टेट की टीम है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो डिसीजन किए हैं वो 100% सही है, सभी को समय रहते हुए चांस मिलता है, और सब टिकट आज हमारे जो MLA जिनके टिकट कटे हैं
जैसे मदन जी दिलावर भी हमारे हैं, पहले उनका टिकट कटा था, उन्होंने काम किया और उसके बाद क्या किया आपने, उनको टिकट मिला है तो पहले बता दिया करो, हमारा परिवार बड़ा है, बागी आएंगे और टिकट देंगे, बता दिया करो पहले आप, बागियों जनता धोखा मत करो, आप जनता के साथ झूठा बोला करो, आप कुछ शर्म क्या करो आप कम से कम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ममता शर्मा है, ममता शर्मा जिसका परिवार हमेशा कांग्रेस में रहा, टिकट दे दिया उसको, आते ही आपने कहा गए सिद्धांत, जनता झूठ क्यों बोलते हो आप, क्यों कहते हो मनीष जी, पहले बोल दिया करो, हमारा परिवार बड़ा है, हम सबको टिकट देंगे। आप ही के बीजेपी से एक मिनट, पूनम चंद जी बात सुनिए, पूनम चंद जी बात सुनिए, बात सुनिए पहले आप, मनीष जी एक आम सवाल ये है कि अभी आपके ही बीजेपी के नेता है छगन जी, उनका कहना यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला लिया सही है, बिल्कुल आलाकमान आपका या जो भी कमेटी बनती है वो फैसला लेगी, अगर चुनाव को लेकर कैंडिडेट को लेकर वो सही होगा, कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन अगर वाकई सही है तो इतनी लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए नाराज होने वालों की, अगर पार्टी से सबसे पहला प्रेम है, पहला प्यार अगर पार्टी है तो फिर टिकट और उम्मीदवार तो दूसरी हो जाती है ना, ज्यादा नाराजगी, और अगर आप लंबी लिस्ट है नाराज लोगों की तो उनके लिए तो सिर्फ 2 दिन बचे मनाने के लिए, सिर्फ 2 दिन। अभी श्वेता मैंने कहा, जैसे इन्होंने बताया भवानी सिंह जी से बात हुई तो वो तैयार है, दूसरी बात ये भी है जब सर्वे आप कराते हैं, जब आप राय शुमारी करते हैं तो कुछ चीजें सामने आती है, हो सकता है वो किसी आदमी के लिए अप्रिय हो किंतु वो सत्य है, और ऐसी दशा में किसी आदमी को चुनाव हराने से बढ़िया है पहले बताया जाए कि ये भाई तू चुनाव जीतने में दिक्कत है, तो दे दिया ये बात तो सही है, सर्वे की बात आई, लेकिन ये वो नहीं माने तो अलग बात है, मान ही जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है जब ये हर आदमी के लिए चुनाव में टिकट लेना, हर आदमी को टिकट दे देना और वो एमएलए बन जाए ये संभव होता नहीं, तो बहुत सारे काम है और जो नेता बनना है पूरे राजस्थान में उनके समय प्रसार होना है, ये आप मानते हैं कि जिताओ कैंडिडेट, जिताओ कैंडिडेट ही प्राथमिकता है यहाँ पर, बहुत सी बागी अपराधी, मैंने आपको कहा कि बड़ा परिवार बैठता है, कई लोगों को लगता है सबसे राय शुमारी करके आप उतारते हैं, उस समय ये निर्दयी राजनीति का सत्य है श्वेता, कि आदमी अच्छा हो तो वो चुनाव हार सकता है, परिवार बैठता बड़ा परिवार नाराज होंगे ठीक है, ये तो आप लेकिन अगर सब परिवार एक है और अगर किसी एक को निर्णय लेना है, आलाकमान को निर्णय लेना है, फिर नाराजगी की तो गुंजाइश नहीं होती। पूनम चंद जी बार बार ये बात आती है बड़ा परिवार है, कुछ लोग तो नाराज यहाँ पर होंगे, लेकिन ये क्या आप मानेंगे किसी जिताओ कैंडिडेट यहाँ पर प्राथमिकता होती है? पूनम चंद जी जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए, इस तरह से नहीं बात हो पाएगी। पूनम चंद जी आपसे सवाल है। नहीं मैं कह रहा हूं अगर जिताऊ उम्मीदवार देखना है फिर तो दागी बागी इनको क्या चाहिए, पहले बता दें कि हमको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, किसी पार्टी का आ जाए ले लेंगे, ये पहले कहना चाहिए। जनता को धोखा क्यों देते हैं, क्यों टीवी चैनल पे आके बैठते हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, टीवी चैनल बैठते हैं, आपने बैठा दिया, चुनाव लड़ा दिया, पहली बार उनका कोई टेस्ट हुआ नहीं है, सेवा उन्होंने करी नहीं है, आप बातें करे जा रहे हो, पता पड़ेगा, एक पार्षद बना के देखो, आप एक पार्षद बना लो, 6 घंटे पहले ममता शर्मा आई, आप पार्टी का, अरे आप पार्षद बनाओ, मनीष जी जवाब साबित करना कि वो कैसा है, जवाब दे दिया करो, दो दो चुनाव लड़ने के बाद बैठे एक आरोप, 6 घंटे पहले ममता शर्मा पार्टी है बीजेपी, पूरा परिवार सारे क्यों छोड़कर मंत्री पद पर रहे, उनको टिकट दे दिया आपने, हुआ करते थे बातें करते चलिए पूरम चंद जी बात सुन लीजिए पहले, ठीक है आपकी बात सुन ली, ठीक है आप तो दोनों पार्टी के अगेंस्ट ही, आपको कहना है कि दोनों ही पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है और इसलिए दोनों की सिद्धांत भी एक से, लेकिन कल्ला साहब एक अहम सवाल है, बीकानेर की अगर हम बात करते हैं, गोपाल गहलोत भी यहाँ पर विरोध में गए हैं, बागी हो क्या है, आप ये बताइए, सिर्फ बीकानेर ही नहीं पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, जो फॉर्मूले जो पैरामीटर्स रखा गया था उसे फॉलो तो किया नहीं गया टिकट वितरण में, जिसमें आप भी शामिल है, 2 बार से ज्यादा हरे को टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको दिया गया, ऐसे में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, आपको जनता क्यों चुनेगी? देखिए मेरी सेवाओं को और निष्ठाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने विनेबल कैंडिडेट के रूप में मुझे टिकट दिया है, मुझे बीकानेर की जनता पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो मुझे जिताएंगी और मैं राजस्थान की विधानसभा में बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से जीत के आऊंगा। जो हमारे यहाँ जो भी एक दो लोग खड़े हुए हैं उनकी मान मनोबल हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी पार्टी एकजुट होकर लड़े। भारत माता की जय में तो रुकवा दिया,
सोनिया गांधी और राहुल गांधी बात नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन कल्ला साहब दो दिन बचे हैं, सिर्फ दो दिन, दो दिन में पूरे प्रदेश के दोनों ही पार्टियां अपने बागियों को कैसे रोकेंगे? देखिए ये तो गणित बिगाड़ेंगे और इससे फायदा दूसरी सामने वाली पार्टी को ही होगा। किस तरह से कोशिश और रणनीति बनाई जा रही है इसके लिए? और भारत माता की जय बोलता हूँ हमेशा, हमारी पार्टी ने भारत माता की जय बोल करके देश को आजाद कराने की अंगुली नहीं मिली है देश के लिए। कल्ला साहब आपने कहा टिकट मिल गया, अब सोनिया गांधी जय बोलो, उससे पहले भारत माता की जय बोले, आप सही है बिल्कुल, टिकट मिल गया, टिकट मिल गया, आपने हाथ रोका, मैंने उल्टा देखा, फिर आपने कहा सोनिया की जय बोलो, ये जो वीडियो वायरल किया गया था, आप असली वीडियो देखिए, आप असली वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो जोड़ तोड़ के वीडियो प्रस्तुत किया गया है। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ और मैं तो आपके मन की बात बाहर आ गई है सोशल मीडिया के इस दुरुपयोग। टिकट से आपने खुद ने टिकट से पहले आपने भारत माता की जय बोला सही है। जब बीकानेर के टिकट कट जावे कल्ला जी के समर्थन ने कल्ला जी ने खुद ने कहा कि पार्टी का फैसला हम सबको मान्य है, टिकट कट जावे तो सारी बातें याद आ जाती है। कौन सी बात, टिकट मिल जाता है जब बात बदल जाती है मान्य होगा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये वाली बात हो गई साहब। ये सारे आप अरे दिख रही भैया, ये सारे क्यों बता रहे हो, जनता देख रही है, बता रहा हूँ आपने दोनों का, दोनों का कैरेक्टर देख रही जनता, आपका जनता चरित्र देख रही हूँ, बता रहा हूँ मैंने, वही देख रही है। आप तो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं क्योंकि वक्त भी खत्म होने वाला है, वक्त खत्म होने वाला है। देखिए एक एक लाइन में जवाब दे दीजिए, डिबेट यहाँ खत्म करनी पड़ेगी। एक मिनट देखिए पिछला क्या हुआ उस पर छोड़िए, उस पर मत जाइए, बात तो ये है कि दो दिन बचे, रणनीति आप लोग की क्या है, क्या सबको मना लिया जाएगा और किस तरह से आपके गणित बिगाड़ने वाले? पूरा चौथी अहम सवाल है, अहम सवाल है, सभी से राजस्थान पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इसमें साथ खड़ा है, लाखों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है इस पार्टी को खड़ा करने के लिए और आप विश्वास कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा 0% बगावत की तो बात नहीं करता, लेकिन जब 22 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉ होगा तब आपके साथ हम डिबेट करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतया एकजुट है। इस प्रकार की जो अफवाह ये चल रही है, ये राजस्थान में उपचुनाव हुए थे 22 विधानसभा तब भी चल रही थी और 20 में हम जीते थे राजस्थान की। एक बात बता दो, आप बागियों का विरोध कर रहे हो, लामा जी एक बात बता दो, बागियों का विरोध कर रहे हो, नहीं जो बागी आए हैं जिनको टिकट दिया जाते ही उनका विरोध करेंगे, अगर मैं आप बताओ तो ये बता दो, तो जो बागी आपकी पार्टी में आए हैं उनका सिद्धांत है विरोध करते हो नहीं करते हो? आपने किसको टिकट दिया? अरे आप तो बताओ ना, अपनी बात तो बता दो, दूसरों के बात में मजाक करता छोड़ के उनको आप दूसरों के बात आप तो बता दो, पार्टी ने 60 ऐसे नए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, अरे दागी बागी जो आए उनका बता दो। ठीक है, वक्त वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग फाइट में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यही है कि एक कवायद यहाँ पर जारी है कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। अब बड़ी बात है कि डैमेज कंट्रोल में सफलता किससे ज्यादा मिलती है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों की एक लंबी लिस्ट है जो बागी होकर सामने आ गए हैं, निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं या फिर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रही है। इसका नुकसान उन पार्टी को होगा अगर ये मैदान में डटे रहते हैं तो। अब बहस दो दिन बचे हुए हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से ये रणनीति बनाते हैं ताकि इनको मना लिया जाए, अपने साथ कर लिया जाए, क्या लॉलीपॉप दिया जाता है ये भी देखना होगा। बहरहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।